बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की दरसी किताब की नज़म हम पढ़ेंगे। इस हम के शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हैं। इन्हें बच्चों का शायर भी कहा जाता है। हम वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम की तारीफ क्या है, यानी हम वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। इसके बाद इस हम में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हम देख लेते हैं। तसव्वुर, ख्याल या ध्यान, खपत, इस्तेमाल, सकत, ताकत, बाहम आपस में, बाहम सप्लाई, खलल रुकावट, मुहाल मुश्किल या दुश्वार, मजाल हिम्मत, लालो गौहर कीमती हीरे जवाहरात, कशिश बाहमी आपस में जुड़े रहने की कुव्वत, आईने ईजाद तख्लीक का उसूल या बनने का फायदा। इसके बाद हम तारुफ़ शायर पढ़ेंगे कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरठी जो है वो 1844 में पैदा हुए और 1917 में इनका इंतकाल हो गया। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। मेरठ जो है हिंदुस्तान का शहर है जो रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़े है। दिल्ली शहर की तरह ये भी एक बड़ा शहर है और बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। इब्तदाई तालीम मेरठ ही में पाई, फिर अरबी और फारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमात अंजाम दी। सहारनपुर भी हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में ही वाक़ है। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे, यानी इंस्ट्रक्टर की हैसियत से उस्तादों की तरबियत की। वहाँ से रिटायर्ड होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं पर इनका इंतकाल हो गया। आगरा भी हिंदुस्तान का एक बड़ा शहर है जो शोहरत के लिहाज से चौथे नंबर पर है और रियासत उत्तर प्रदेश में ही वाक़ है। इस्माइल मेरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी जबान की पाकिजगी और बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। कुलियात के मायने होते हैं मजमुआ, यानी उनका जो मजमुआ शायरी है, मजमुआ कलाम है, वो कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हुआ। दरसी किताब में शामिल हम्द इसी कुलियात से ली गई है। शायर के हवाले के बाद हम देखेंगे कि इस हम्द का जो है मरकजी ख्याल क्या है। इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान किया है और वो बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने ये दुनिया कायम की है और ये उसकी कारीगरी है कि ये कारखाना कुदरत बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसकी ज़ात लाजवाल है, उसका नूर और जमाल हर शय में आया है। इस कायनात पर हुक्मरानी का इख्तियार भी सिर्फ और सिर्फ इसी की ज़ात का हिस्सा है। ये वो मरकजी ख्याल है जिसके तहत शायर ने इस नज़म को लिखा। अब हम बाकायदा हम्द की बुलंदखानी और तफ़ीम व तशरीह की तरफ आएंगे। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता
तो होता ही क्या। इस शेर में शायर जो है अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है जो दुनिया, ये सारी दुनिया और कायनात पर मुहित है। ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ही की तख्लीक करदा है। अगर अल्लाह ताला की जात ना होती तो इस दुनिया में कुछ भी ना होता, ना ये हुस्न होता, ना दिलकशी और ना ये खूबसूरत नज़ारे। ये दुनिया दुनिया ही ना होती और ना ही इसमें इंसान होते, हत्ता के कोई चीज़ भी मौजूद ना होती अगर अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ना चाहता। तसव्वुर तेरी जात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यहाँ पर शायर जो है अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ करते हुए कहते हैं कि हम इंसान तेरी जात का तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। तू हमारी सोचों से बहुत आला और अरफा है, हमारी सोचें महदूद हैं और तेरा तसव्वुर करना हमारी औकात में नहीं, ना हम इसमें और ना ही हम इसकी हिम्मत कर सकते हैं और ना हमारे अंदर इतनी ताकत है। हम तेरी ही तख्लीक हैं, इसलिए तेरा तसव्वुर हमारी सोच के दायरे से बहुत बुलंद है। बनाई है तूने ये क्या खूब छत के है सारे आलम में, के है सारे आलम की इसमें खपत। यहाँ पर शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे सरों पे ये जो आसमान जैसी खूबसूरत छत तूने बनाई है, जो बगैर सहारे के हमारे सरों पर तनी हुई है और सदियों से इसी तरह कायम और दायम है, इसमें सूरज, चांद, सितारे सब कुछ इसी में है। ये सारी कायनात पर मुहित है, हमारी दुनिया और सारी कायनात इसमें समाई हुई है। इतनी बड़ी छत और इतनी अजीम कायनात बनाने वाला खुद कितना अजीम होगा। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। यहाँ पर शायर जो है अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि रात को नजर आने वाले और दिन को नजर आने वाले सितारे, ये चमकते हुए और जगमगाते हुए सितारे सब इसी का खालिक कायनात की तख्लीक हैं। कायनात की कहकशाओं को रोशन रखते हुए सब अपने मदार में घूम रहे हैं। ये सब अपने खालिक की अजमत का मजहर हैं और अपने खालिक की हम्द सना करते नजर आते हैं। ये सब अल्लाह ताला ही की तख्लीक हैं और कोई ऐसी हस्ती नहीं जो इन चीज़ों की तख्लीक कर सकता। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात को ज़ेबा है कि इतनी बड़ी कायनात उसने तख्लीक की। चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। यहाँ पर शायर जो है बयान कर रहे हैं कि सितारों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सितारे आसमान के चिराग हैं। हमें आसमान पर सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें चिराग से तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि सितारे जो हैं वो आसमान पर चिराग हैं जो बगैर तेल के और बगैर किसी ईंधन के हमें रोशन नजर आते हैं। और वो किस वजह से, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि वो हमें आसमान पर रोशन नजर आते हैं। आज साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये सब अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं। इसकी कुदरत तमाम कायनात पर मुहित है। बड़े से बड़े सितारों और सैारों से लेकर रेत के मामूली जर्रे तक हर शय इसकी ताबे है, यानी हर शय जो है उसके हुक्म के बगैर जो है हरकत नहीं कर सकती, इसकी ताकत के आगे बेबस है। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, जमी से भी हैं उनमें अक्सर बड़े। यहां पर अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हुए शायर कह रहे हैं और ये लालो गोहर यहाँ पर सितारों और सैयारों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। वैसे जो है इन्हें लालो गोहर के वैसे मायने जो है आपको मैंने मायने में बताए थे कि हीरे जवाहरात के मायने में भी आते हैं, लेकिन इस शेर में जो है लालो गौर से मुराद सितारों का जिक्र करते हुए, सियारों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये आसमान पर हीरे जवाहरात की तरह हैं, यानी उन्हें हीरे जवाहरात से तशबीह दी गई है। सितारों और सियारों को हीरे जवाहरात से तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि ये आसमान पर सितारे जो है हीरे जवाहरात की तरह
हैं जो अपनी चमक दमक से हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और रात में आसमान को रोशन रखते हैं। शायर मजीद कहते हैं कि इसमें अक्सर तो हमारी जमीन से भी बहुत बड़े हैं, यानी इतने बड़े बड़े सितारे और सैारे मौजूद हैं कि जो जमीन की वसत से भी बड़े हैं। ये अल्लाह ताला की अजमत ही है और ये अल्लाह ताला की अजमत की वाज दलील भी है कि इतने बड़े अजसाम खला में तैर रहे हैं। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बाहम सख्त जंजीर से। यहाँ पर बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े अजसाम फलकी सब अल्लाह ताला की कुदरत से कायम दायम है। वो अल्लाह ताला के कायम करदा उसूलों के ताबे हैं, यानी जो जो उसूल कवायद अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो सब इसी के ताबे काम कर रहे हैं, जिसे हमने तकदीर कहा है। और ये वो ये तकदीर ही है जिसके जरिए ये एक दूसरे के साथ रब में है। सब अपने अपने मदारों में घूम रहे हैं, कोई एक दूसरे मदार में जो है एक दूसरे के मदार में दखल अंदाजी नहीं करता। तकदीर की जंजीर ने इनको आपस में जो है बांध के रखा हुआ है, यानी अल्लाह ताला की कुदरत इस कायनात को अपने अहाते में लिए हुए है। वो जंजीर क्या कशिशे बाहमी, न इसमें खलल हो न पेशी कमी। यहां पर कह रहे हैं तकदीर की वो जंजीर जिसने सितारों सैयारों और तमाम अज्जाम फलकी को बांध रखा है, वो इनकी बाहमी कशिश है, यानी ये अपनी बाहमी कशिश की वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस कशिश को जो है आज साइंसदान ने कशिश सकल का नाम दे रखा है। यही कशिश इन अजसाम फलकी को अपने मदार में कायम उतायम रखती है, दूसरे अजसाम फलकी के मदार में खलल या रुकावट पैदा नहीं करने देती। एक मुनज़्ज़म अंदाज में वो अपने ही मदार में गर्दिश करते रहते हैं और ना ही एक की वजह से किसी दूसरे में कोई कमी पेशी होती है। यही अल्लाह ताला का कानून है और यही इनकी तकदीर है। इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि सारी कायनात जो है वो अल्लाह ताला की तखलीक करता है और इसके अंदर तमाम अशिया जो है वो उसकी तखलीक के उसूल सब जो है वो अल्लाह ताला ही के बनाए हुए हैं। ये मेरे रब का कमाल है जो वाहिद और यकता है, यानी उसका कोई शरीक नहीं है। वही इस कायनात और इसके अंदर एक एक चीज का खालिक और इनको चलाने और पालने वाला है। अल्लाह ताला की जात इनकी तखलीक करने से पहले भी मौजूद थी और इनके खत्म होने के बाद भी मौजूद रहेगी, यानी अल्लाह ताला की जात जो है वो लाजवाल है, उसको जवाल नहीं आएगा। दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी, क्या बाकी रह जाएगा? सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी और वो जब चाहेगा लम्हा भर में सब कुछ बर्बाद कर देगा और जब चाहेगा यानी जब वो चाहेगा दुनिया बना सकता है, जब वो चाहे दुनिया को खत्म कर सकता है। लेकिन यानी ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात इस कायनात से जो है मावरा है, वो लाजवाल है और लाफानी है, यानी उसको जवाल नहीं आएगा। ये जो हम्द है ये कुलियाते इस्माइल से ली गई है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको इसका खुलासा नज़म बताऊंगी कि इसका जो खुलासा है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, जो हमने भी आपको इसकी तशरीह और तफहीम बताई है, तो इसको हम एक खुलासे के तौर पर किस तरह से बयान कर सकते हैं। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी इस हम्द में कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई और रब नहीं, बस तू ही हमारा परवरदिगार है। ये सारी कायनात तू ने ही तखलीक की है, अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता। ये हुस्न, दिलकशी, ये नजारे, ये दुनिया और ना इंसान, गर्ज कोई चीज भी मौजूद ना होती और हम इंसान तेरी जात का तसव्वुर और ख्याल। भी करने की हिम्मत और ताकत नहीं रखते। तेरी जात बहुत आला और अरफा है और हमारी अकल, हमारी सोच, हमारी फिक्र सब महदूद हैं। तू एक आसमान की छत बनाकर सारी कायनात इसमें तूने फैला दी है और चमकते हुए तारे इसमें फैलाए हुए हैं, जो खुद अपनी रोशनी पैदा करते हैं। आज
साइंसदान भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं, कि जो चांद सितारों में रोशनी है वो अल्लाह की कुदरत से मौजूद है। उसकी कुदरत सारी कायनात पर मुहित है। बड़े बड़े सितारे, सैारे से लेकर रेत के मामूली जर्रे तक हर शय उसके ताबे है, और ये आसमान पर मौजूद सितारे हीरे जवाहरात की तरह हैं, जो अपनी चमक दमक से हमें अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। और इनमें कुछ तो जमीन से भी बड़े हैं, ये सब हुक्म और तकदीर के ताबे हैं। एक कशिश बहामी ने इनको बांध रखा है, बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी हम नहीं कर सकते। ये सब एक ही उसूल के तहत बने हुए हैं, और इन सब का बनाने वाला जो है वो भी एक है, यानी इन चीज़ों को बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और जो हमेशा रहने वाला है, लाजवाल है, जिसको जवाल नहीं आएगा, और हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो है ये हमने खुलासा नज़म आपके सामने पेश किया है, इससे भी आपको इस नज़म को समझने में आसानी हो गई होगी, बआसानी आप इस नज़म को समझ गए होंगे। इसके बाद जो है आपके पास कुछ मशक़ी सवालात दिए गए हैं, इन्हें अब आप आसानी से इस लेक्चर के लेक्चर को सामने रखते हुए बआसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सवाल चार सवाल दिए हैं, जो जिनके जवाब आपने देने हैं। उसके बाद पांचवा सवाल आपके पास है कि हम के दूसरे और पांचवें और आखिरी शेर की वजाहत कीजिए। यहाँ पर आपको हवाला शायर के साथ जो है इन अशार की तशरीह करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको खलजे करनी है, और एक सवाल आपको यहाँ दिया गया है कि किसी भी नज़म का एक शेर लिख कर मिसरा उला और मिसरा सानी की निशानदेही करें। यहाँ आपने करना ये है कि किसी भी नज़म का आप एक शेर लेंगे, उसमें आपने बताना है कि मिसला उला क्या होता है। मिसरा उला शेर का पहला मिसरा जो होता है वो मिसरा उला कहलाता है, और शेर का जो दूसरा मिसरा होता है वो मिसरा सानी कहलाता है। आप किसी भी नज़म का कोई भी शेर ले लें, उसमें आप मिसरा उला और सानी की निशानदेही इसी तरह कर सकते हैं कि पहला शेर मिसरा उला और मिसरा सानी दूसरा शेर कहलाता है। और ये भी आपको मालूम होगा कि शेर जो है दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, और एक लाइन जो है वो एक मिसरा कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कुछ सही गलत पे निशान लगाने हैं, ये सब आपका मशी काम है। उम्मीद है कि आपको ये सबक बआसानी समझ में आ गया होगा। इसकी तशरीह और इसकी इसका खुलासा इंशाल्लाह हम अगली क्लास में दोबारा आपसे मिलेंगे नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।